हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास ट्वेल्थ के पॉलिटिकल साइंस का, जो हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 4। ठीक है, अब देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या देखा। पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से कोल्ड वॉर खत्म होता है। सेकंड में हम देखते हैं कि किस तरह से बायपोलैरिटी खत्म होती है। थर्ड में हम देखते हैं कि किस तरह से अमेरिका लीड करता है। अब फोर्थ चैप्टर ये है कि अब अमेरिका को कॉम्पिटिशन भी तो देगा कोई, सिर्फ अमेरिका ही अमेरिका थोड़ी ना है। तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी आई जिन्होंने एक ऑल्टरनेटिव रखा, एक ऑप्शन रखा कि हाँ अमेरिका के आगे अमेरिका को टक्कर देने वाला भी कोई है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमें समझना पड़ेगा कि हमने तीन ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है। किसकी? तीन ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। एक तो हमारा यूरोपियन यूनियन है, जो कि इस फिलहाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बीच में न्यूज़ में काफ़ी था, ब्रेग्जिट हुआ था, यानी कि यूरोपियन यूनियन में से ब्रिटेन यानी कि जो यूके था आपका वो निकला था। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, काफ़ी टाइम से चला ये। तो यूरोपियन यूनियन अब इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें तो। जो आसियान, जो हमारा सेकेंड ग्रुप होगा, ये जो आसियान कंट्री है ना, ये आसियान, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं इससे। और जो हमारा थर्ड ग्रुप होगा वो हमारा चाइना होगा। ठीक है, कि चाइना किस तरह से इकोनॉमिक पावर, एज एन इकोनॉमिक पावर इमर्ज कर रहा है। और चाइना आपको पता भी है कोविड-19 की वजह से भी न्यूज़ में। तो इन शॉर्ट ये चैप्टर इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से जब स्टार्टिंग में कोल्ड वॉर वगैरह ख़त्म होती है, अमेरिका लीड करता है, उसके बाद अमेरिका की डोमिनेंसी को क्वेश्चन करने वाले कौन कौन से ग्रुप होते हैं। एक तो यूरोपियन यूनियन होता है और एक आसियान होता है। ठीक है, इन्होंने काम किया है अपनी वीकनेस पे, अपनी हिस्टोरिकल चीज़ों पे, उसके बाद वो एज ए इंस्टीट्यूशन खोल के आए हैं। ठीक है, इन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में एक ड्रामेटिक इम्पैक्ट हुआ था कि एकदम से हम देखते कि इंडिया और चाइना एक साथ इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ईयर के गैप में इंडिपेंडेंट होते हैं और दोनों की जो ग्रोथ रेट है वो अलग अलग जाती है। ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करता है जो आप चाइना की बात करते हो, और इंडिया थोड़ा स्टैग्नेंट ही ग्रोथ करता है। ठीक है, इसमें आपने जो इंडियन इकोनॉमी आपकी इकोनॉमिक्स में थी ना, उसमें भी आपने लास्ट चैप्टर में कंपैरिजन पढ़ा था, क्लास 11th में थी इंडियन इकोनॉमी तब। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि आगे क्या है, तो पहले ये फोटो देख लो। इसमें क्या है कि पहले ना ये सोवियत के आइडिया पे चलते थे, सोशलिस्ट आइडिया पे चलते थे। सोशलिस्ट आइडिया क्या था? समाजवाद वाला, कि लाइक सबको इक्वालिटी के साथ काम देना है। ठीक है, सबका यूज़ करना है, सबकी जो सैलरी होगी वो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से होगी, इस तरह से। तो ये सोशलिस्ट अप्रोच पे काम करता था, सब कुछ वो क्या लीड करता है, सारी चीज़ें जो स्टेट है वो लीड करती थी। लेकिन अभी इनकी जो मेन आइडियोलॉजी है वो क्या है, सोशलिस्ट ही है। लेकिन इन्होंने साथ में क्या किया, मार्केट इकोनॉमी को थोड़ा सा सपोर्ट किया है, फ्री ट्रेड करवाया है, करा है लोगों ने इन्वेस्टमेंट, मतलब यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट सपोर्ट कराया है। तो अब देखो किस तरह से सोशलिस्ट आइडिया से निकल के और उसके बाद ये जो आज की इनकी हम चाइना को देखते हैं, इतने चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हम चाइना की जो बात करेंगे वो हम पार्ट टू में करेंगे, मैं आपको क्लियर कर दूँ। और हम यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन से। तो देखो जैसे ही ये वाला बात उठती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है, कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हो चुका है, कोल्ड वॉर के बाद क्वेश्चन उठता है यूरोप के लोगों की, यूरोप की कंट्रीज के बीच में, कि भाई इन्हें अब कैसे रोल प्ले करना है आगे। अब ये अपनी जो स्ट्रक्चर्स हैं उन चीज़ों को ज़्यादा बिल्ड करें जिससे कि वो पहले कंपटीशन करते थे, लाइक जिसके तहत वो आगे चलते थे, या फिर वो अपने इंस्टीट्यूशंस को ऐसे स्ट्रॉन्ग करें कि आगे इंटरनेशनल रिलेशन में एक पॉजिटिव कंसेप्ट लाएं। ठीक है, या तो जैसे वो पहले कंपटीशन करते थे, या तो वो कंपटीशन में उतरें, या फिर वो अपने आप को डेवलप करते हुए आगे थोड़ा डिप्लोमेटिक खेलें। ठीक है, तो इन्होंने क्या चूज़ किया, आप देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, इनकी जो वो बेसिस है ना, जिस बेसिस पे पहले इनका यूरोप पूरा इंटीग्रेटेड था, पहले वो एक साथ थे, वो सब टूट गया था। पूरा जो यूरोप का स्ट्रक्चर था, यूरोपियन स्टेट्स थे, वो पूरे खत्म हो चुके थे। जिन अजम्पशन पे वो बनाए गए थे, जो भी उनके स्ट्रक्चर थे, सब टूट चुके थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। क्योंकि यूरोपियन यूनियन के, मतलब हम जानते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर्स हैं वो यूरोप से ही स्टार्ट होती है और उसके बाद वो पूरे दुनिया को अपने अंदर अपने चपेट में लेती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो पहले के बेसिक अजम्पशंस थे वो उनके ख़त्म हो गए थे, स्ट्रक्चर्स ख़त्म हो गए थे। तो अब इनके पास क्या था कि अब इन्हें आगे नए तरीके से चीज़ें लीड करनी है। अब अगर नए तरीके से चीज़ें लीड करनी है तो इन्होंने क्या सोचा कि 1945 में यूरोप ने स्टार्ट करा कि अपनी जो इकोनॉमीज़ हैं, मतलब ये सारी जो चीज़ें जो इनकी डिस्ट्रक्ट हो चुकी थी, लाइन ख़त्म हो चुकी थी, डिस्ट्रक्शन हो चुका था, इन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई हमने जिस बेसिस पर अपने आप को पहले फाउंड कर रखा था, बना रखा था, संगठित कर रखा था, वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद 1945 के बाद, ठीक है, कोल्ड वॉर ने इन्हें सहायता दी कि किस तरह से ये अपने आप को फिर से लीड करें। कैसे? कोल्ड वॉर के दौरान सबको क्या था, सबको ये था कि किसके पास ज़्यादा पावर आनी है, अमेरिका के पास या सोवियत यूनियन के पास। ठीक है, तो अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने सोचा कि अगर मैं यूरोपियन यूनियन की हेल्प करूँगा, या फिर मैं एक ऐसे ग्रुप अपने अंडर ले लूँगा, ऐसे देश अपने अंडर ले लूँगा, ठीक है, जो मेरी आइडियोलॉजी पर काम करेंगे, ठीक है, तो ये ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा।
ठीक है, थोड़ा डिप्लोमेटिक खेला इसने। तो अमेरिका ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन की या यूरोप के देशों की मदद करी इकोनॉमिकली, क्योंकि कोल्ड वॉर की वजह से यूरोप तो पूरा ख़त्म ही हो चुका था। ठीक है, अब अमेरिका ने यूरोप की मदद करी, ठीक है, अमेरिका ने यूरोप की मदद करी, तो इससे क्या हुआ, यूरोप की इकोनॉमी भी बूस्ट हुई और साथ में अमेरिका के पाले में भी वो चले गए। तो सोवियत यूनियन का सोवियत यूनियन ख़त्म भी हुआ, ठीक है, और अमेरिका आगे बढ़ा भी। तो जिस प्लान के साथ यूएसए ने काम किया, यूएसए ने चीज़ों को सपोर्ट किया, वो था मार्शल प्लान। इसी के बाद इन्होंने नाटो का जो मतलब जो आपका स्ट्रक्चर है पूरा क्रिएट किया है। नाटो जो आपने पढ़ा था कि जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, जिसके तहत क्या था, सिक्योरिटी का ग्रुप बनाए गए थे कि अगर नाटो के किसी एक मेंबर पर भी किसी ने युद्ध किया या हमला किया तो वो पूरे यूएसए पे हमला होगा या फिर पूरे ग्रुप पे हमला माना जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि यूएसए ने अपने पाले में यूरोपियन यूनियन को करा, और इसके तहत देखो यूरोपियन यूनियन को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, जैसे जो इनका ऑर्गेनाइजेशन था ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है, ये आगे लीड होता है, ये आगे बढ़ता है, ठीक है, इसके तहत यानी कि ये जो OEEC है इसके तहत ये इस्टेब्लिश होता है 1948 में, और इसके तहत जो हमारी वेस्ट यूरोपियन स्टेट हैं उन्हें मदद करी जाती है यूएसए के द्वारा। इसके बाद यूरोपियन स्टेट ने स्टार्ट करा अपना कॉपरेशन करना ट्रेड में, यानी कि व्यापार में अपनी चीज़ें इंटरेस्ट को बढ़ाया। फिर काउंसिल ऑफ यूरोप स्टार्ट हुआ 1949 में। अब देखो इनके एस्टैब्लिशमेंट कैसे होती है, देखो अब बेसिकली क्या हुआ, सारा सीरीज़ में चल रहा है 1948 में, पहले क्या होता है, मतलब पहले 1945 में वो डिक्लेयर कर देते कि हम तो भाई ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, यूरोपियन यूनियन डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसके बाद लाइक यूरोपियन यूनियन नहीं कह सकते, यूरोप का इंटीग्रेटेड जो कंट्रीज़ का ग्रुप है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर मार्शल प्लान आता है जिसमें कि यूएसए सपोर्ट करता है। उसके बाद 1948 में जो OECC होता है, लगभग इस वाले ऑर्गेनाइजेशन के तहत, इस वाले प्लान के तहत क्या होता है, मार्शल लॉ को, मार्शल प्लान को इस्टेब्लिश किया जाता है। इसके बाद 1949 में एक ग्रुप बनता है, यानी कि एक तरह से काउंसिल का नाम बनता है, द काउंसिल ऑफ यूरोप, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, 1957 में फाइनली यूरोप की इकोनॉमिक कम्युनिटी बन जाती है, और अभी तक का जो पूरा टाइमलाइन है वो चल रहा है सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे, कि हमें इकोनॉमी को अपने को स्ट्रॉन्ग करना है, आगे कॉम्पिटिशन में आना है, इस तरह से तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बन जाती है। और कभी भी आपको ऐसे मतलब डेट वाइज ऐसे रटना नहीं है, ठीक है, याद हो जाता है, अच्छी बात है, बट आपको कोट करने के लिए ये नहीं आता है। अगर यूरोपियन यूनियन का क्वेश्चन आता है तो जब आप आगे करोगे ना किस तरह से यूरोपियन यूनियन मिलिट्री में सपोर्टिव है, इकोनॉमी में स्ट्रांग है, डिप्लोमेटिक में स्ट्रांग है, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसे क्वेश्चन आता है उससे, और यही आपके पॉइंट्स है। ये डेट एंड ऑल बहुत कम इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत कम सिग्निफिकेंस रखती है, ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, अभी तक 1957 तक क्या है, जो आपका ये इकोनॉमी बन रही है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये सिर्फ इकोनॉमिकली है। लेकिन 1992 में जब आपका पूरा यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश होता है, तब वो धीरे धीरे क्या होता है, एक किसका फॉर्म लेता है, पॉलिटिकल कोऑपरेशन का फॉर्म लेता है। अभी तक इकोनॉमी चल रहा है, अब धीरे धीरे वो पॉलिटिकली स्ट्रांग होते हैं। सोवियत ब्लॉक के जैसे ही खत्म होता है सोवियत ब्लॉक, उसके बाद यूरोपियन यूनियन अपने आप को एक पॉलिटिकल डायमेंशन देता शुरू करता है 1992 में। इसके बाद वो स्टार्ट करते हैं अपने कुछ फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसीज, कॉमन चीज़ें, कोऑपरेशन ऑफ जस्टिस, होम अफेयर, सिंगल करेंसी का क्रिएशन करते हैं वो। तो धीरे धीरे अपने आप को एक देश की तरह वैल्यू देने लगते हैं, लाइक कंट्रीज अलग अलग हैं, ठीक है, वो है, लेकिन फिर भी इन्हें एक तरह से एक ग्रुप माना जाएगा। देखो ये बहुत बार पूछा भी जाता है मैप वाला कि मैप क्या है, या तो कार्टून की जगह मैप ही दे देते हैं कि इसे समझाओ ये क्या है। तो यूरोप का यूनियन फ्लैग है जिसमें कि ये 12 स्टार्स हैं, और जो सर्कल है इनका वो डिनोट कर रहा है इनकी सॉलिडारिटी हार्मनी, कि ये लोग सब साथ में काम करेंगे। और 12 स्टार क्यों है, क्योंकि क्रिश्चियन जो धर्म है, जो इनका ट्रेडिशनली, मतलब क्रिश्चियन भी नहीं कह सकते, जो इनका ट्रेडिशनल कल्चर है उसमें 12 को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा माना जाता है, पायस माना जाता है, सिंबल ऑफ परफेक्शन माना जाता है, तो इसलिए 12 स्टार्स का ग्रुप है, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया कि किस तरह से पहले सिर्फ इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुआ, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकली उसे एनहांस करना शुरू करा। अब क्या हुआ, आपने पढ़ा था क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस में भी एक कार्टून था आपका स्टार्टिंग में, कि यूरोपियन यूनियन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को लगता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं पाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनका कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं था, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, इनका खुद का फ्लैग था जो हमने वाला फ्लैग देखा, इनका खुद का एंथम था, फाउंडिंग डेट थी भाई कब इस्टेब्लिश हुआ, उनकी करेंसी थी अपनी, ठीक है, कॉमन फॉरन पॉलिसी भी थी, सिक्योरिटी पॉलिसी भी थी, जिसकी तरह से वो एज अ नेशन एक साथ लीड करते थे। तो यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने अपना जो एरिया है उसे बढ़ाने की कोशिश भी करी, यानी कि बढ़ाया, और जो भी कंट्री नई ज्वाइन होती थी मतलब उसे अपॉर्चुनिटीज भी मिलती थी। अब देखो इस मैप में क्या है, ये जो जितने भी पर्पल एरिया है, ये जो पर्पल कंट्रीज हैं, ये सब पहले ही किसका पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट थी, और ये जो ऑरेंज कंट्रीज हैं ये अब जुड़ी हैं, अब यानी कि बाद में जुड़ी हैं, ठीक है। बाद में जैसे ही वो टूटता है, सोवियत यूनियन टूटता है, तो देखो ये जो ये एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, ये सब तो पहले यूरोप उसका रशिया का पार्ट थी, ठीक है, सोवियत यूनियन का पार्ट थी, बाद में ये ईयू का यानी कि
यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनती हैं। और अब आप बात करो, ये जो यूके वाला कंट्री है, आपको अब पता है वो ब्रेग्जिट हो चुका है, यानी कि ब्रिटेन एग्जिट मार चुका है, यूके एग्जिट मार चुका है अब यूरोपियन यूनियन से, ठीक है। तो ये मैप थोड़ा, मतलब ये वाला जो मैप है या फिर ये वाला जो चैप्टर है, जो डाटा है, ये थोड़ा अपडेटेड नहीं है। बट अगर आप करंट अफेयर से लिंक करना चाहते हो तो आप अपने ट्वेल्थ के आंसर शीट में भी, अगर मान लो कि आपके जो ट्वेल्थ की एनसीईआरटी है वो नहीं चेंज होकर आती है, तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि आप लिखोगे क्या पेपर में, तो आप पेपर में ऐसा कर सकते हो कि आप बुक के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, बाद में एक ज़रूर नोट डाल दो कि वैसे मतलब अभी एग्जिट कर चुका है, लाइक अब ब्रिटेन जो है वो उसका पार्ट नहीं है, आप ये मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल भी होता है कि आप करंट अफेयर से लिंक करते हो ट्वेल्थ का पेपर हो, और अगर यूपीएससी है तो ऑब्वियसली आपको करना ही है, फिर तो कोई सेंस है होता ही नहीं है कि आप अपडेटेड ना रहो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि अब यूरोपियन यूनियन में क्या क्या हुआ, धीरे धीरे जो पावर है लाइक वो एक्सरसाइज होने शुरू हुई। तो अब जब नई कंट्रीज जुड़ती हैं तो नई कंट्रीज़ को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होती है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हो तो आपको थोड़ा सा तो उसके साथ डील करना पड़ता है ना, कि आप थोड़ी सी पावर उसे दोगे, वो थोड़ा सा एक्सेस तुम्हें देगा। तो इसलिए कुछ जो नई कंट्रीज़ हैं उन्हें जुड़ने में दिक्कत वगैरह आती है कि हम अपनी पावर किसी एक ऐसे ग्रुप को क्यों दे दें जो हमारी पावर वो एक्सेस करने लग जाए। तो इसलिए थोड़ा बहुत यूरोपियन यूनियन में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अगर हम इसके अलावा बात करें तो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, मिलिट्री में कैसे इन्फ्लुएंस है, और यही क्वेश्चन आता है मेनली ट्वेल्थ बोर्ड में स्पेशली, कि किस तरह से यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटिकली क्या सीन है उसका, डिप्लोमेटिकली क्या सीन है, और मिलिट्री में उसका क्या सीन है। तो अगर आप देखोगे इकोनॉमिकली, तो अगर हम जीडीपी की बात करें तो उसकी जीडीपी है $17 trillion की 2016 के डाटा के हिसाब से, जो कि यूएसए के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी है पूरे यूनियन की मिला के, ठीक है। तो सोचो इस हिसाब से जो यूरो है, यूरो क्योंकि इनकी सेम करेंसी है पूरे देश में, मतलब पूरे सारे देशों के ग्रुप में यूरो ही एक ही इनकी करेंसी यूरो, तो वो यूएस के डॉलर को टक्कर दे सकती है, ठीक है। अगर मान लो यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप ना होता और इतने इतने छोटे छोटे से देशों की अलग अलग करेंसी होती, तो कहां वो यूएस को टक्कर दे सकती थी, यूएस के डॉलर को, ठीक है। तो एज एन यूरो एक ग्रुप की करेंसी होने की वजह से टक्कर दे सकती है। और अगर हम वर्ल्ड ट्रेड में बात करें तो उसका शेयर बहुत बड़ा है यूएसए से भी, वर्ल्ड ट्रेड की अगर हम बात करेंगे, दुनिया से व्यापार की, ठीक है। तो इसलिए अगर यूएसए और चाइना का कोई डिस्प्यूट होता है तो इसमें यूरोपियन यूनियन का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रहेगी, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड में बहुत बड़ा भागीदारी यूरोपियन यूनियन है। इसके अलावा वो इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने पड़ोसियों को, चाहे वो एशिया के पड़ोसी हों उसके, ठीक है, चाहे वो अफ्रीका के पड़ोसी हों, तो उन सबके इंटरनेशनल जो रिलेशन है इन सबको ही बहुत अच्छे से अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि खुद में एक इकोनॉमिकली स्ट्रांग पावर है। और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो उसमें तो है ये, अगर ये इतने सारे देश जाएंगे, WTO का पार्ट है, और अपने कोई बात कहेंगे तो इनकी बातों को सुना ही जाएगा, ऑफ कोर्स जल्दी सुना जाएगा, ठीक है। ये होगी इकोनॉमिकली कैसे स्ट्रॉन्ग है, आप हेडिंग डालोगे आंसर में इकोनॉमिकली, फिर आप उसे बताओगे। नेक्स्ट है पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली, कि कैसे वो राजनीतिक रूप से या फिर आप कहो कि बातचीत करने वाली जो सीन है उसमें वो कैसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो दो मेंबर हैं ब्रिटेन और फ्रांस, जबकि मैं बता चुकी हूँ कि ब्रिटेन अब वैसे ऑफिशियली एग्जिट मार चुका है, ठीक है, और ये डाटा पहले का है, लाइक हमारी जो बुक है वो पहले प्रिंट हो चुकी है। तो ब्रिटेन और फ्रांस की अगर हम बात करें वैसे, तो ये दोनों ही किसके पार्ट है, परमानेंट है, यूएस की सिक्योरिटी काउंसिल के, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं हमारे ब्रिटेन और फ्रांस, और कोई परमानेंट मेंबर है यानी कि उसके पास काफी ज्यादा पावर होती है एक टेम्परेरी मेंबर के कंपैरिजन में, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो सब नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं, यानी कि दो तो आपके परमानेंट मेंबर हो गए और बाकी सब नॉन परमानेंट भी हो गए, तो सोचो आपका कितना इन्फ्लुएंस है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो यूएस क्या, जो यूरोपियन यूनियन है वो क्या कर सकता है, यूएस की पॉलिसी को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, कहीं ना कहीं यही एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, जैसे इसने करा भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में, ठीक है। जब इन्होंने ईरान पे प्रेशर जमाया था कि इन्होंने यूएसए ने ईरान के ऊपर कि तुम न्यूक्लियर के कोई भी टेस्ट नहीं कर सकते ये सब, तो इस पे यूएस के, मतलब ये जो यूरोपियन यूनियन है, इन्होंने क्वेश्चन भी करे थे यूएसए के ऊपर, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि वो डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, इन्वेस्टमेंट के जरिए, नेगोशिएशन के जरिए ज़्यादा प्रेशर जमा सकता है एज़ कम्पेयर टू मिलिट्री वगैरह, ठीक है। अब हमने देख लिया उसके डिप्लोमेटिकली वो कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर हम देखेंगे मिलिट्रीली भी, तो मिलिट्री में भी वो कोई कम नहीं है। अगर हम इसके आर्म्ड फोर्सेज की बात करें तो मतलब ये वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर US ऑब्वियसली, ठीक है। और ये खर्चा भी US के बाद सबसे ज़्यादा करता है, किस पे, अपने डिफेंस पे। और अगर आप इसके अलावा बात करें तो ब्रिटेन और फ्रांस हमें पता ही है कि दोनों न्यूक्लियर पावर वाले कंट्रीज़ हैं हमारी, इनके पास न्यूक्लियर पावर है, लगभग 550 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं इनके पास। और इसके पास स्पेस और टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा है, स्पेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और आजकल आपको पता ही है कि टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है। अगर आप इसके अलावा बात करें तो एक सप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि कहीं ना कहीं क्या बनना चाहती है, पूरे
दुनिया में को लीड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन बनने का सपना रखती है, आगे बढ़ना चाहती है, भले ही वो इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, सोशली हो, हर तरीके से। लेकिन कुछ एरियाज इसके ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। लाइक बहुत सारे जब देश मिलते हैं तो उनके जो व्यूज़ हैं वो टकराते तो हैं। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर की बात हो रही है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं टोनी ब्लेयर, ठीक है, वो अमेरिका के पार्टनर थे इराक इन्वेशन में। लाइक यूरोपियन यूनियन पूरा मना कर रहा था, यानी कि यूएसए के खिलाफ था इराक इन्वेशन में, बट टोनी ब्लेयर सपोर्ट कर रहे थे किसे, अमेरिका को। इसके अलावा अगर आप बात करोगे कि कुछ नए जो मेंबर यूरोपियन यूनियन में जुड़े थे, तो कोएलिशन ऑफ द विलिंग जो अमेरिका ने ग्रुप वो स्टार्ट किया था कि जो लोग इच्छुक हैं उन देशों का ग्रुप है जो कि इराक इन्वेशन को रोक रहा है, ठीक है, उन लोगों को सपोर्ट किया था नए देशों ने यूरोपियन यूनियन के, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इसके अगेंस्ट थे। तो इस वजह से क्या हुआ, थोड़ी बहुत गड़बड़ होती रहती है। और इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है, देखो ये ड्रॉबैक्स वाला सीन आपका शुरू हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम आती है कि कुछ देशों में कहीं ना कहीं यूरोस्केप्टिसिज्म है, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट आइडियोलॉजी काम करती है कि हमें ग्रुप के हाथ में अपनी पावर नहीं देनी चाहिए, हमें खुद स्ट्रांग रहना चाहिए, तो वो वाली बात हो रही है। इसके अलावा कहीं ना कहीं वो दिक्कत वाली चीज़ें पैदा होती हैं। अगर आप इसके अलावा बात करोगे तो ब्रिटेन के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे मार्गरेट थैचर, उन्होंने भी पहले मना किया था कि हम यूरोपियन जो मार्केट है उसमें उसके साथ डील नहीं करेंगे, ठीक है, हम अलग डील करेंगे यूके के। यूके ने कहा था कि हम यूरोपियन मार्केट से अपने आप को दूर रखेंगे। इसके अलावा डेनमार्क और स्वीडन है, उन्होंने मना करा था क्या यूरो को अपनी करेंसी मानने के लिए, उन्होंने कहा था कि हम अपनी करेंसी अलग रखेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं वो अपनी सॉवर्निटी को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं। तो ये जो यूरो स्केप्टिसिज्म वाली वो आइडियोलॉजी है, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन के खिलाफ काम करती है अलग अलग देशों में, ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव वो रखा है। तो इसका ड्रॉबैक यही है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा तो क्यों नहीं बन पाएगा। अब देखो ये टाइटैनिक का जहाज है, ठीक है, ये जहाज बहुत सिग्निफिकेंट है। आप अगर मूवी देखोगे टाइटैनिक तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये एज अ मतलब इस कार्टून के जरिए वो बताना चाह रहा है कि जब यूरोपियन यूनियन का संविधान बनने वाला, तो किस तरह से ये जहाज फंस रहा है, कितने सारे रोड़े हैं कि वो संविधान नहीं बन पाया, ठीक है। तो हमने एक पावर के बारे में बात करी अब तक यूरोपियन यूनियन के बारे में कि किस तरह से वो इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, कैसे कैसे काम करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या उसकी कमियाँ हैं। अब दूसरा ग्रुप आता है आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि आसियान कंट्रीज़ की, साउथ ईस्ट के जो एशिया के देश हैं उनके ग्रुप्स। अब देखो एक बार देख लेते हैं मैप में, देखो ये पूरा एशिया आपका बटा हुआ है, एशिया इतना बड़ा है कि इसे हम वेस्ट एशिया कहते हैं, साउथ एशिया हमारा इंडिया वाला होता है, ये सेंट्रल एशिया, ये ईस्ट एशिया, ये नॉर्थ एशिया। अब जब हम साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, हम इस वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं, यानी कि इन देशों का एक ग्रुप, ठीक है, जिन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। अभी जो हमने यूरोपियन यूनियन की बात करी वो हमने इन देशों की बात करी थी यहाँ पे, ठीक है। अब एक ग्रुप बनना है इन छोटे छोटी कंट्रीज़ का, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फिर से चैप्टर पे। इस एरिया का हमें ज़्यादातर पता भी है कि कोल्ड वॉर के बाद, मतलब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था, इन्हें फेस करना पड़ा था कॉलोनियलिज्म, यानी कि इनके ऊपर उपनिवेशवाद वाली हरकतें हुई थी, इन्हें उपनिवेश बनाया गया था यूरोप के लोगों ने भी और जापान के लोगों ने भी, ठीक है। अब उसके बाद ये आज़ाद होते हैं, आज़ादी के बाद इन्हें क्या होता है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपने आप को देश बनाने की, एक नेशन बिल्डिंग करने की। इसके बाद इन्हें गरीबी से छुटकारा चाहिए, इन्हें इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो उससे भी इन्हें टक्कर लेनी थी। इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में इन्होंने सोचा कि हम अब अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो जो हमारी बैंडंग कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके तहत हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जो नाम कंट्रीज थी गुटनिरपेक्ष वाले देश, वो भी इतना कोई मतलब स्ट्रॉन्ग काम नहीं कर पाए इन देशों के लिए। तो इन देशों ने फिर क्या करा, अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे इन्होंने साउथ एशियन एसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन बनाया, जिसे आसियान कहते हैं। स्टार्टिंग में पांच कंट्रीज़ थी, पांच कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड 1967 में। तो देखो यहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, सिंगापुर और कौन कौन सी है, फिलीपींस है और आपका थाईलैंड है, ठीक। तो हमने देख लिया ये हमारी क्या है, पांच कंट्रीज़ हैं जो स्टार्टिंग में 1967 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। इसके बाद क्या होता है, बाद में धीरे धीरे इनका मेन मोटिव क्या होता है, मेन मोटिव तो होता है कि इन्हें क्या करना है, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, कल्चरल साइड को स्ट्रॉन्ग करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि सोशल प्रोग्रेस भी करना है और कल्चर डेवलपमेंट भी करना है। धीरे धीरे इन्होंने शांति बनाना स्थापित करना, रूल ऑफ लॉ हो, और जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, यानी कि पूरी दुनिया पर चलने वाला जो चार्टर है उसे फॉलो किया जाए, उन सब चीज़ों पर भी काम करा, ठीक है। जैसे ये डेवलप होता है बाद में पांच कंट्रीज और जुड़ती हैं और इन टोटल ये 10 कंट्रीज का ग्रुप बन जाता है। पांच कंट्रीज और कौन कौन सी जुड़ती हैं, ब्रुनेई दारुस्सलाम, वियतनाम, लाओ, पीडीआर, म्यांमार और कंबोडिया, ठीक है। जैसे ही ये पांच और जुड़ जाती हैं, आप देखो यहाँ पे पूरे मैप में, ठीक है, अब ये 10 कंट्री का ग्रुप हो जाता है और जो इनका मैप, जो इनका फ्लैग है, सॉरी मैप नहीं, जो इनका फ्लैग है, आप ये देख लो, ये क्या है, 10 पैडी के बाल हैं, ठीक है, जो कि जुड़ी हुई है, यानी कि 10 क्यों है, क्योंकि ये 10 कंट्रीज का ग्रुप है, ठीक है, और ये एक साथ जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं सॉलिडारिटी और फ्रेंडशिप को दिखाती है, और जो सर्कल है वो इनकी यूनिटी को दिखाता है कि ये कितने
टुगेदर हैं, एक साथ हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि फ्लैग को एक्सप्लेन करो या पैडी के जो राइस के वो हैं क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बताओगे कि 10 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दो नंबर वाले क्वेश्चन में आया हुआ है, वरना आशियान का एक लॉन्ग फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, आप आराम से लिखोगे, ठीक है। अब इन्होंने जिस तरीके को अपनाया है उसे आशियान वे कहते हैं। आशियान वे भी दो नंबर में पूछा गया है कि आशियान वे क्या है, तो देखो आशियान वे क्या है, आशियान वे एक काम करने का ऐसा तरीका है जो कि किसी के ऊपर लीड नहीं करता, ये नहीं है कि किसी को ऑपरेसिव फील करवाए, किसी पे प्रेशर क्रिएट करे, बल्कि वो डिप्लोमेटिकली काम करता है, इनफॉर्मली बात करता है, ठीक है, सबकी सुनते हुए काम करता है, कोऑपरेटिव आइडिया के साथ काम करता है, ठीक है, और दूसरे की नेशनल सोवरेनिटी को क्या इंपॉर्टेंस देते हुए काम करता है। अगर आप आशियान कंट्रीज की बात करोगे, यूरोपियन यूनियन की तरह वो सुपर नेशनल स्ट्रक्चर नहीं बनना चाहती, यानी कि वो दूसरे देशों पर लीड नहीं करना चाहती, लेकिन क्या है, वो अपने आप को एस्टैब्लिश रखना चाहती है, अपने आप अपनी बात दुनिया में रख सके, इसलिए वो स्ट्रांग बनना चाहती है, ठीक है। अगर आप बात करोगे तो आशियान कंट्रीज़ की इकोनॉमी को इतनी बड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ फास्टेस्ट ग्रोइंग है, यानी कि सबसे ज़्यादा जल्दी बढ़ रही है, ठीक है, बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में कम है, लेकिन बढ़ सबसे ज़्यादा रेट पे रही है। तो इकोनॉमिकली सोशल स्फेयर में भी धीरे धीरे इन्होंने काम करना शुरू करा, अपने ऑब्जेक्टिव को ब्रॉड किया। 2003 की अगर हम बात करें तो एशियन जो ये आसियान कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्या किया है, यूरोपियन यूनियन की तरह ही अपने कुछ और ग्रुप्स बनाए हैं। कौन कौन से बनाए हैं, सिक्योरिटी कम्युनिटी बनाई, इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई और सोशो कल्चरल कम्युनिटी बनाई, ठीक है। तो सिक्योरिटी कम्युनिटी ऑब्वियसली बात करेगी कि आप सिक्योरिटी पर्पस ऐसी चीज़, इकोनॉमिक कम्युनिटी बात करेगी कि आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो, सोशल कल्चर इकोनॉमी इन वो सोशल कल्चर कम्युनिटी क्या काम करेगी, इनकी जो इंडिविजुअल वो है क्या आइडेंटिटी है उसे एस्टैब्लिश करने में, तो देखो ये क्या क्या काम करते हैं। तो बेसिकली जब हम सिक्योरिटी कम्युनिटी की बात करते हैं तो ऐसी बात ये बात होती है कि जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है ना कहीं लैंड के तो डिस्प्यूट रहते ही हैं, वो डिस्प्यूट किसी भी तरीके से वॉर में बदले ना, क्योंकि वॉर के बाद तो सिर्फ कुछ नुकसान ही है और कुछ भी नहीं है, तो ये कोशिश करती है जो काउंसिल है कम्युनिटी है कि वो दिक्कत ना आए। 2003 में बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट प्लेस करे गए जिसके तहत इन्होंने क्या रखा, ये प्रॉमिस किया कि हम शांति बनाए रखेंगे, न्यूट्रैलिटी बनाए रखेंगे, किसी के साथ दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं, कोऑपरेशन बनाए रखेंगे, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, हम रेस्पेक्ट करेंगे सोशल डिफरेंसेस की और जो लैंड के डिफरेंसेस हैं उनकी, यानी कि हम बेफालतू में लड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो इनका रीजनल फॉर्म बना था ये किस लिए काम करता है, 1994 में जो बना, सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है। जो एशियन का रीजनल फॉरम है वो क्यों बना, ये वाला फॉरम कि लाइक अलग अलग ये 10 कंट्रीज है तो 10 कंट्रीज़ की अपनी अलग अलग पॉलिसीज हैं, उनके बीच में कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, इसलिए ये फॉरम बनाई गई थी। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक एसोसिएशन माने तो देखो इतनी सारी एसोसिएशन बन गई फिर भी इकोनॉमिकली इकोनॉमिक तो इनका बेसिस थे ही, तो वे बेसिस रहेंगे भी, ठीक है। अभी हमने बात करी तो यूएस और यूरोपियन यूनियन जापान जितने स्ट्रॉन्ग इनकी इकोनॉमी नहीं है लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी जो ग्रोथ है वो इन्फ्लुएंसिंग का कारण बनती है, लोगों को अट्रैक्ट करने का कारण बनती है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि अपने क्या सोशल और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम करे हैं, सहायता प्रदान करी है जिससे इनके इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो सकें, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो सकें, ठीक है। और साथ में जितने भी डिस्प्यूट सेटलमेंट हैं, डिस्प्यूट है उसके लिए उन सारे प्रॉब्लम्स को सेटल करने के लिए अपनी क्या एक मैकेनिज्म तैयार किया है काम करने के लिए इकोनॉमिक कम्युनिटी के तहत, ठीक है। आशियान की जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है वो डिस्प्यूट सॉल्व भी करती है, ठीक है, और उन्हें आगे भी बढ़ाती है। इसके अलावा इन्होंने कुछ फ्री ट्रेड एरिया बनाए, फ्री ट्रेड एरिया यानी कि जिसमें व्यापार करोगे तो आपको कोई टैक्सेशन नहीं लगेगा या कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये फ्री ट्रेड एरिया क्यों बनाए जाते हैं, दूसरी कंट्रीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। और अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया ने पहले इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था आशियान कंट्रीज़ के ऊपर, लेकिन बाद में इंडिया ने अब काफ़ी ज़्यादा इस काम किया है आशियान कंट्रीज़ के साथ। आशियान क्योंकि बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है तो अब क्या सीन है कि जो विजन 2020 है आशियान का वो क्या है, वो बाहर की तरफ देखने का है। अब आशियान कंट्रीज़ अपने आप को एज एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर शो करना चाहती हैं, सिर्फ अपनी बात रखना चाहती हैं आगे, अपने आप को स्ट्रांगली दिखाना चाहती हैं जिससे वो नेगोशिएट कर सके, बार्गेनिंग कर सके, कोई उन्हें एक्सप्लॉइट ना करे, ठीक है। नेगोशिएशन क्यों ज़रूरी होता है कि जिससे सभी के राइट का मतलब हनन होने से बचाया जा सके, सबके राइट सबको मिले, ठीक है। तो आशियान के कुछ मेजर काम जो उन्होंने करे, जो कंबोडिया का कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व हुआ, ईस्ट मोर की जो क्राइसिस है वो सॉल्व हुई, इसके अलावा वो जो ईस्ट एशियन कोऑपरेशन है ये एनुअली मिलते हैं, डिस्कस करते हैं जो भी दिक्कत होती है उसमें काम करने के लिए। जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है स्टार्टिंग में वो मैं आपको बताई चुकी हूँ कि इंडिया ने पहले क्या किया था, चाइना वगैरह के साथ काम किया, यूएसए के साथ काम किया, और अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो आशियान की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो देखो यहाँ पे क्या है, मनमोहन सिंह जी की फोटो आई, इनकी उनके टाइम पे क्या हुआ था कि हमने ईस्ट एशियन नेशन की तरफ देखना स्टार्ट किया था कि चलो ठीक है अब हम इसका भी यूज़ करना शुरू करते हैं, यानी कि एक तरह से उनके साथ काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। अगर हम इसके अलावा बात करें तो इंडिया ने स्पेशली किस किस कंट्री के साथ काम किया है, तो 3 एशियन कंट्रीज़ के साथ काम किया, आशियान कंट्री के साथ, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ, ठीक है।
अब देखो क्या हुआ है, 2010 में हमारा एक फ्री ट्रेड एरिया इस्टेब्लिश हुआ था आसियान कंट्रीज़ के साथ में। फ्री ट्रेड एरिया मतलब जहाँ पे इंडिया के लोग आराम से जाके व्यापार वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और उसको जब 10 साल पूरे होने को आए लगभग, तो 2018 में एक ये वाला मतलब एक काम हुआ था, लाइक एक मीटिंग हुई थी आसियान इंडिया कॉमेमोरेटिव समिट 2018। आप जानते हो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ये साहब बीच में खड़े हैं और ये बाकी आसियान कंट्रीज़ के बाकी सारे मेंबर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करनी जा रही है कि जो आसियान कंट्रीज़ की स्ट्रेंथ है वो किस में है कि उनकी पॉलिसीज़ में जो इंटरेक्शन होता है, कंसल्ट करते हैं मेंबर्स के साथ, पार्टनर्स के साथ डायलॉग करते हैं, ठीक है, किसी के कोई प्रेशर नहीं जमाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एशिया की बाकी कंट्रीज़ हैं, जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उनके सामने आसियान कंट्रीज़ टिक पाती हैं, अपनी बात को रख पाती हैं। तो इसके साथ हमने दो ऑर्गेनाइजेशन पूरी करी है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में अपने चाइनीज़ इकोनॉमी को देखेंगे, किस तरह से चाइना स्ट्रॉन्ग होता है, किस तरह से ये सब हो रहा है, इंडिया चाइना रिलेशंस क्या है, और फिर हम इसको एंड करते हुए अपनी एक्सरसाइज पर रिवीजन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।